नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टॉप गुरुज़। मेरा नाम है सुनील यादव। आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि हमें अपने वेबसाइट जो होती है उसका जो डोमेन होता है उस डोमेन का अगर हमें नेम सर्वर कैसे चेंज करना है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको वही बताऊंगा कि हम नेम सर्वर कैसे चेंज कर सकते हैं अपने डोमेन का। तो चलते हैं इस कंप्यूटर स्क्रीन पर इस वीडियो को समझने के लिए, देखने के लिए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे नेम सर्वर अपने रखे हुए हैं जो मेरे को अपडेट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ अपनी जो वेबसाइट है जहाँ से मैंने डोमेन को बाय किया था, गोडैडी। यहाँ पे करता हूँ मैं अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर आता हूँ मैं, जो भी मैंने यहाँ पे अपने डोमेन्स बाय करे हैं और जिसके अंदर मेरे को अपना नेम सर्वर अपडेट करना है। ये वाली जो वेबसाइट है मैं इसके अपडेट करूँगा, जो पृथ्वी पब्लिक स्कूल आपको दिख रही है। इसके अंदर क्या करता हूँ मैं DNS पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं DNS पे क्लिक करता हूँ उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मेरी जो नेम सर्वर है वो अभी यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ये आपने देखा हुआ है, यहाँ पे आपको करेंगे चेंज पे क्लिक करेंगे। चेंज पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसको चेंज करेंगे जो आपने, ये जो आपके नेम सर्वर है, ठीक है। जैसे आप ये वाला ANS1 NS2, ये मैंने A2 से ले रखी है, तो यहाँ पे मैंने इसको अपडेट ये पहले ही कराया अभी, ठीक है। जैसे आप इनको यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ध्यान रखिएगा कि NS1 ऊपर NS2 नीचे, ठीक है। और होता है कभी कभी कि तीन तीन चार चार भी होते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऐड पे और यहाँ पे भी उसके जाके फिर आप अपडेट कर सकते हैं, जो अगर आपके पास तीसरा भी नेम सर्वर है तो, ठीक है। नॉर्मली दो ही होते हैं। जैसे आपके पास ये हो जाएंगे आप इसको यहाँ पे अपडेट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके पास रिफ्रेश होके एक यहाँ पे मैसेज आएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे इसने ये लिखा हुआ है। तो आप ये डरना मत, क्योंकि इन्होंने जो नेम सर्वर है वो गोडैडी से नहीं होता है इनके, ठीक है। जो हमारा नेम सर्वर है वो गोडैडी से हमने होस्टिंग ने ले रखी, तो इसलिए वो यहाँ पे दिखा रहा है कि नॉट मैनेज बाय अस। बट क्या है कि जहाँ से तुम्हारा रखा था वहाँ से तुम्हारी जो नेम सर्वर है वो यहाँ से अपडेट हो चुके हैं, ठीक है। एक बार रिफ्रेश भी कर लो आप इसको, रिफ्रेश करके देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप अपनी नेम सर्वर को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं DNS में। और आप अगर हमारे चैनल पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी आप देख सकते हैं वीडियोस बना रखी हमने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए मिल जाएगा। और टॉप गुरुज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और अब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं और मेरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी। अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप गुरुज़ सुनील यादव।